किसानों की समृद्धि के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस के रूप में बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधेश यादव की अध्यक्षता में मनाई गई। कार्यकर्ताओं द्वारा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके संबंध में निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। गांव, गरीब और किसान के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले चौधरी चरण सिंह खुद को प्रधानमंत्री से ज्यादा एक किसान व सामाजिक कार्यकर्ता मानते थे। किसानों के हित में उनकी कोशिशों की सदैव सराहना हुई। उन्होंने कहा कि भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की व्यक्तिगत छवि एक ऐसे देहाती पुरुष की थी जो सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। भूमि हदबंदी कानून को लागू करना उनके कार्यकाल की प्रमुख विशेषता है। इस अवसर पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधेश यादव, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, अखिलेश यादव, फिरंगी प्रसाद, राजेश सिंह, मिर्जा कदीर बेग, जयप्रकाश यादव, रूपावती बेलदार, राम लखन पासवान, सुमन पासवान, संजय पहलवान, सिंहासन यादव, कुंवर प्रताप सिंह, श्यामदेव निषाद, कबीर आलम, रामजतन यादव, राघवेंद्र तिवारी, राजू राम नारायण विद्रोही, मैना भाई, बिंदा देवी, रामनाथ यादव, गिरीश यादव, अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निवर्तमान जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा, आज किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, उसी को आज समाजवादी पार्टी किसान दिवस के रूप में मना रही है। हम समाजवादी लोग आज उनके जन्मदिन पर जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, किसानों की आय दोगुनी करने वाली पार्टी आज किसानों को बर्बाद करने पर उतारू है। जब उनकी बुआई का समय था तो फर्टिलाइजर नहीं था, सिंचाई के समय डीजल महंगा है, और यहाँ तक कि अब फर्टिलाइजर लेने जाइए तो उनसे कहा जा रहा है कि केमिकल दिया जा रहा है कि जब वो लेंगे तभी आपको दिया जाएगा फर्टिलाइजर। इस तरीके से सरकार सिर्फ व्यापार पर उतारू है, किसानों का नुकसान हो रहा है। हम उस चरण सिंह जी का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू रशिया से लौट कर आए थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में हिंदुस्तान में प्रयास किया था। मात्र एक नेता थे चौधरी चरण सिंह जी जिन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट खेती का विरोध किया था। इसलिए आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि समाजवादी पार्टी किसानों के बीच में जाकर और भारतीय जनता पार्टी का फूल खोलते हुए किसानों के हित का हम काम करेंगे, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब चौधरी चरण सिंह जी के बारे में क्या कहना, उनके बारे में घंटों कहिए कम है, लेकिन आज हम किसान जो आज अपनी जुबान से बोल रहे हैं या जो अपनी जमीन का मालिक बने हुए हैं, उसकी देन चौधरी चरण सिंह साहब की है।